हाय फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द मॉडर्न पीरियड, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोज रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर. मॉडर्न पीरियड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश और लिटरेचर में, तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आइए उसके डिस्कस करते हैं दोस्तों. जैसे पहला क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ सॉ नॉलेज इट्स रिजेंबल्स टू चेखोव्स द चेरी ऑर्चर्ड. इसको हर्ट ब्रिक हाउस है. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अ फैंटेसिया इन द रशियन मैनर ऑन इंग्लिश थीम्स इज द सब टाइटल ऑफ हर्ट ब्रिक हाउस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 20th century प्ले राइट प्रोपाउंडेड हिज थियरी ऑफ लाइफ फोर्स. जीविशा. नेक्स्ट है, और शटल बॉय 1958 वॉज रिटन बाई ब्रेंडन बहन. नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ हिज पोएम डिड ऑर्डन क्रिटिसाइज फॉर इट्स इनक्यूरेबल डिसहोनेस्टी. सितंबर 1, 1939. नेक्स्ट, द एज ऑफ एंजाइटी 1947 वॉज रिटन बाई W.H. Auden. क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन 1933 वॉज रिटन बाई, इसको लिखा था जॉर्ज ओरवेल ने. द एबव वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ एसेज. 9 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्क्रॉड नोस्ट्रोमो वॉज पब्लिश 1904. 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, द सब टाइटल ऑफ नोस्ट्रोमो इज अ टेल ऑफ द सीबोर्ड. विच बुक फीचर्स द टीनिंग क्लॉक फैमिली द बारोवर्स. 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, द बारोवर्स इज रिटन बाई मैरी नॉर्टन. द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ट्रायोलॉजी वॉज रिटन बाई एविलियन. वाह. 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द एबव वर्क इज गाई क्रॉसवेक. द ओनली नॉवेल दैट सेल्विया प्लेथ रोट वॉज कॉल्ड द वेल जार. ये मैचिंग है यहाँ पे दोस्तों, देखते हैं. द वेल जार जो है इसको लिखा है एस्थर ग्रीनवुड ने, एंड फिनिस फिन को इसको लिखा है प्लेंटेजेंट पेलिसर ने, एंड द फ्रेंच ल्यूटेंट्स ओमेन इसको लिखा एरेस्टिनिया फ्रीमैन, एंड फिंगनेस वेक को एना लिविया ल्यूरेविल लिखा है. 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मेमेंटो मोरी 1959 वॉज रिटन बाई म्यूरियल स्पार्क ने इसको लिखा है. 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज़ द एनोनिमस टेलीफोन मैसेज दैट पीपल रिसीव इन द एवम नॉवेल. तो ये रिमेंबर यू मस्ट डाई. एंड 19 नंबर क्वेश्चन है, हु रोड द पोएम अ विंटर्स टेल. एलन थॉमस. एंड 20 नंबर क्वेश्चन है, डेथ एंड एंट्रेंसेस 1946 वॉज रिटन बाई डायलन थॉमस. 21 नंबर क्वेश्चन है, फादर ब्राउन वॉज ए फिक्शनल करेक्टर क्रिएटेड बाई जी के चेस्टर्टन. एंड 22 नंबर क्वेश्चन है, हु रोड द नॉवेल जी 1972 जॉन वर्जर. विच साइंस फिक्शन नॉवेल डील्स विथ मार्टियन अटैक ऑन प्लैनेट अर्थ द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स. एंड 24 नंबर क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द चिल्ड्रंस करेक्टर मैरी पॉपिंस. पी एल ट्रेवर्स. एंड 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वॉज द पेसिडोनियम ऑफ द पोएट जॉर्ज विलियम रसेल एई. हु रोट ओल्ड पोएम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स टी एस एलियट. 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, द बुकर प्राइज फॉर द ईयर 1990 वेंट टू पोएम्स हु वॉज द ऑथर ए एस बेट. हु वॉज द पोएट लॉरेट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड अल्फ्रेड टेंशन. एंड 29 नंबर क्वेश्चन, हु सेड दैट मैन इज द ओनली क्रिएचर हु कंज्यूम्स विदाउट प्रोड्यूसिंग जॉर्ज ऑरवेल. एंड 30 नंबर क्वेश्चन, ऑन व्हिच नॉवेल वॉज गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लॉइस बेस्ड.
the Coral Island. Who wrote the above novel? R.M. Valentine's. The Screwtape Letters was written by C.S. Lewis. The above work is epistolary novel. How many letters did it comprise of? 31st. Who wrote The Outsider 1956? Colvin Wilson. Told by an Idiot 1923 was written by Rose McGillivray. The title of the above work was taken from Shakespeare's Macbeth. The moment is a literary phenomenon of the 50s. Blood Wedding 1933 was written by Garcia Lorca. Which of the following is not a part of trilogy? Blithe Spirit. Which of the following is not by novel covered? The Scope. तो दोस्तों ये 41 क्वेश्चंस जिसका हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये दोस्तों पीजीटी टीजीटी और इंटीग्रेटेड एग्जाम्स के लिए इवन की सारे इंग्लिश लिटरेचर जहाँ जिस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न पीरियड से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थैंक यू।